नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारनौल में महिला पुलिस थाने में एक महिला बंदी की मौत के मामले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला थाना की निलंबित एसएचओ ने अपने ही थाने की दो महिला पुलिसकर्मियों और एक पुरुष एसपीओ के विरुद्ध बंदी महिला से मारपीट कर हत्या करने का नारनौल शहर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी मामले में पुलिस ने नारनौल महिला थाने की दो महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं पुरुष पुलिसकर्मी को रिमांड पर लिया है। पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये है नारनौल का महिला थाना और इसी थाने की लॉकअप में गिरफ्तार थी पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला बंदी। महिला बंदी पर आरोप थे कि उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के ही गांव ढाणा निवासी एक दुकानदार से 50,000 की धोखे से ट्रांजैक्शन की। इस मामले में कनीना थाने में मृतक बंदी महिला और उसके एक साथी पर मुकदमा दर्ज था। इसी मामले में कनीना थाने ने महिला और उसके पुरुष साथी को गिरफ्तार कर नारनौल महिला थाने में रात्रि को सौंप दिया था। फिर क्या था, महिला थाने की कांस्टेबल मुनेश, प्रियंका और एक महिपाल नाम के पुलिसकर्मी ने रात में महिला के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। जैसे ही सुबह पुलिस विभाग के बड़े अफसरों को पूरी घटना का पता चला तो सभी के हाथ पांव फूल गए। महिला का बोर्ड की ओर से पोस्टमार्टम कराया गया, साथ ही ज्यूडिशियल इंक्वायरी भी विभाग की सिफारिश पर शुरू हुई। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए महिला थानों का संचालन किया गया था, लेकिन अब वही महिलाएं महिलाओं पर ही अत्याचार करने में अव्वल आ रही हैं। नारनौल पुलिस थाने में घटित हुई ये घटना इसका प्रमाण है। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। महिला एसएचओ निरीक्षक शारदा देवी के बयान पर हमने एफआईआर नंबर 463 302 34 के अनुसार एफआईआर दर्ज की थी। महिला थाना में एक कनीना थाना से महिला को 379-420 में थाना बंद रात को बंद कराया था। सुबह उसकी मौत की सूचना मिली थी। रात को करीब 4 बजे उस महिला ने थाना से भागने की कोशिश की, तो भागने पर एसपीओ द्वारा उसे रोका गया और अन्य जो महिला कर्मचारी ड्यूटी पर थी उन्होंने रोका गया और भागने के दौरान उन सभी के बीच आपस में हाथापाई हुई है। उसके कारण एक्सपायर हुई है या कोई अन्य कारण है उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। प्रारंभिक जांच से हमने एफआईआर 302 दर्ज कर दिया है। अभी इसकी मजिस्ट्रेट जांच 176 सीआरपीसी की चली हुई है, जो अभी जांच कर रहे हैं, जिनकी भी जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हमने इस केस में हाथ को देखते हुए एक एसपीओ महिपाल तथा महिला कांस्टेबल मुनेश व प्रियंका को गिरफ्तार किया है। महिला कांस्टेबल मुनेश व प्रियंका को ज्यूडिशियल भेज दिया है, जबकि महिपाल एसपीओ को एक दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। इस केस की अभी तफ्तीश जारी है, जिसमें एसआईटी गठित की जा चुकी है और हर पहलू से जांच की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।